हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल का मैच जो ही खेल जाएगा यहाँ पे, इंडियंस वुमेंस T20 लीग के मैच के बारे में, जो कि बोल जाएगा वुमेंस प्रीमियर लीग बोला जाएगा। तो उसका मैच थोड़ा कवर कवर कर जाएगा यहाँ पे। तो पहला मैच यहाँ पे देख लो, कल यहाँ पे 7:30 बजे मैच चलोगा। तो मैच कौन कौन सा है देख लो, UP वुमेंस वर्सेस मुंबई वुमेंस के बीच में मैच खेला जाएगा। तो कल शाम 7:30 बजे मैच चलोगा। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई प्री एंट्री ग्रैंडली कोई ऐड नहीं हुआ है, ऐड हो जाएंगे कल सुबह तक ऐड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए और यहाँ पे आपको फ्री एंट्री मिलेगा। आप बाद में और प्लेयर है उसके पहले यहाँ पे हेड टू हेड लीग है, हेड टू हेड आपके पास पैसा रहे तो हेड टू हेड लीग आप चल करके यहाँ पे आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे खेल डेली के यहाँ पे खेलता हूँ, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इनसे यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट आपको विन कर सकते हो। तो इस बारे में बात करेंगे, पहले कुछ दो टीम प्लेयर के स्टैट देखेंगे, उसके बाद प्लेयर के परफॉर्मेंस, प्लेयर के स्टैट्स, प्लेयर के स्कोर कार्ड, पिछले मैच कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे वो सब इसे वीडियो में कर दूँगा। वीडियो शुरू से एंड तक देखना गाइस, और अच्छा लगा तो आपको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो चलो गाइस शुरू करते हैं पहले वीडियो को। पहले इतने कुछ दो टीम का प्लेयर के स्टैट्स देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मुंबई के कुछ प्लेयर के स्टैट कैसे हैं, प्लेयर के ऊपर रिकॉर्ड कैसे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं यहाँ पे MLK, जो कि बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। पिछले दो मैच बैटिंग रही थी, पर उससे पहले पिछले मैच 0 पर आउट हुई थी, पर उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेकर आए थे। लगातार 3 मैच 2-2 विकेट लेकर आ रहे और बैटिंग में बहुत बड़ा है इनका। अगर बैटिंग में जाते हो तो अच्छा बैटिंग करके आ सकते हैं। यहाँ पर देख लो 45-66 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। प्लेयर अच्छी है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं इस मैच में। नीलम बिस्ट अभी कोई चांस नहीं बना इनका, पर इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। पिछले मैच विकेट नहीं लेते, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेट लेकर आई थी। एक अच्छा विकेट टेकर बॉलर बन सकती है अगर इनको चांस मिला तो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नटालिस कावर, जो कि पिछले मैच 23 रन बनाई गई थी, उससे पहले 55 रन, उससे पहले 23 रन बनाई गई थी और 40-81-50 वर्ल्ड कप में था। तो ये था उनका बैटिंग स्कोर कार्ड और बॉल में पिछले मैच विकेट नहीं लेते, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट ले गए थे। एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा खेलते हैं और मुझे लग रहा है इस मैच बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से एक अच्छा पॉइंट्स आपको लेके आ सकते हैं। तो इसलिए उनको एक मस्त पिक बोल सकता हूं मैं। हरमप्रीत कौर पिछले मैच 11 पर आउट हो गई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 65 रन बनाए गए थे, उससे पहले 52 रन, 30 रन। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच थोड़ा नीचे बैटिंग करने थे तो ज़्यादा रन बनाने का चांसेस नहीं मिले थे, पर मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते, तो इसलिए इनको मैं जरूर ट्राई करूँगा। आप भी ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में एक अच्छे पिक बन सकती है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जिंती मोनी कलिता, जो कि पिछले तीन मैच उनको बैटिंग नहीं आई थी और बॉलिंग दिया था। पिछले मैच बॉलिंग भी नहीं की थी, उससे पहले बॉलिंग की थी पर एक ही ओवर बॉलिंग दिया था और उससे पहले 2 ओवर बॉलिंग हुई थी, उसमें भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। तो प्लेयर उतना अच्छा नहीं है, इसमें इनको ड्रॉप करके कोई आप प्लेयर को इनको लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दारा गुज्जर, पिछले मैच 1 रन, उससे 21-29-66-52-20-33 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। बैटिंग बहुत बड़ा है इनका और बॉलिंग से भी विकेट ले गई थी कभी कभार। तो देख लो इनको चांस मिले तो जरूर ट्राई करना, एक अच्छा पिक बन सकती है दारा गुज्जर, एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप इनको। बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा है इनका, तो अगर इस मैच में खेलती है तो जरूर ट्राई करना, मस्ट पिक बोल सकता मैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों भी पिक कर सकते हो, एक अच्छे पारी आपको खेल के दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अमजोत कौर, जो कि पिछले 3 मैच खेला था पर यहाँ पे उनको बैटिंग में नहीं दिया था, पर उससे पहले साउथ अफ्रीका 41 बनाया गया था, उससे पहले 17 रन, 49 रन। तो प्लेयर अच्छा है, इनको भी इस मैच चांस ट्राई कर सकती हो, एक रिस्की पिक बोल सकता मैं, रिस्क लेके आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रियंका बाला, पिछले मैच 93 रन, उससे पहले 12 रन, 53 रन, 28-36, 4 रन बनाई गई थी। तो एक अच्छे बैट्समैन बन सकती है, तो देख लो ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर इनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाए तो आपको आसानी से विनिंग हो सकता है। तो प्रियंका बाला एक ग्रैंड लीग के लिए पिक बोल सकता मैं, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ईसा ओंग, पिछले मैच 3 विकेट लेकर आई थी, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट लेकर आई थी। एक अच्छे बॉलर है ईसा ओंग, सिर्फ 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट लेकर आई थी, तो बहुत बड़े बॉलर है। तो देख लो इस मैच भी ट्राई कर सकते हो, विकेट लेके आ सकती है इस मैच में और ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, एक अच्छे पिक बन सकती है। तो नेक्स्ट आते हैं एस्टिका भाटिया, पिछले मैच 41 रन बनाई गई थी, उससे पहले 23 रन, उससे पहले 1 रन, उससे पहले 4 रन बनाई गई थी। एक अच्छे विकेट के ऊपर बैट्समैन है तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं इस मैच में। हैली मैथ्यूज पिछले मैच 32 रन बना के 3 विकेट लगाई थी, उससे पहले 77 रन, 3 विकेट, उससे पहले 47 रन, 0 विकेट। तो प्लेयर अच्छी है, लास्ट 3 मैच बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके रही, तो मुझे लग रहा है इस मैच वही फॉर्म कंटिन्यू करके आ सकती, तो इनको जरूर गैली में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे चोरा ट्राइकोन, पिछले मैच 25, उससे पहले 3 रन। अभी यहाँ पे IPL नहीं खेली है तो देख लो, खेलते हुए जरूर ट्राई करना, एक अच्छा रिस्की पिक बन सकता है ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर इनको पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग में एक अच्छा
परफॉर्मेंस आपको करके दे सकती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पे पूजा वस्त्राकर, पिछले दो मैच में दो 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 विकेट लेके आई थी, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई पूजा वस्त्राकर, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। इसी का पिछले मैच में 3 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट लेके आई थी। बहुत बड़े बॉलर है, बैटिंग भी बहुत उतना अच्छा है, अगर इनको बैटिंग चांस हो तो बैटिंग भी एक अच्छा खासा करके आ सकते हो, तो इनको मैं मस्ट पिक बोलूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे पिक आपको कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। हैदर ग्राम पिछले मैच 8 रन, उससे 33 रन बना गए थे, तो ये भी बहुत ऑलराउंडर है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है ऑलराउंडर। सोनम यादव आई थिंक नहीं खेल सकती यादव, तो यादव का भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे। उमीरा खाजी खाजी का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। तो गाइस ये कुछ एमबीआई के प्लेयर के स्टैट्स, चलो गाइस अब देख लेते हैं और एक स्टैट्स के बारे में। पहले बात करें कुछ यूपी के कुछ प्लेयर के स्टैट्स, यूपी के प्लेयर के स्टैट कैसा है और उनका स्टैट्स और उनका प्लेयर के परफॉर्मेंस वो कैसा है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें पहले आते हैं आप परवश्री चोपड़ा, तो चोपड़ा का यहाँ पे रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच उन्होंने 2 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, तो लगातार 3 मैच में अच्छा विकेट लेके आ रहे हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप में, तो मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकते हैं, तो उनको जरूर ट्राई करना, एक बहुत बड़ा पिक हो सकती है हर मैच में विकेट लेके आ जाए, तो मैं इनको मस्ट पिक बोल सकता हूँ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में भी। परवश्री चोपड़ा आप चोपड़ा को पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अंजलि सरवानी, पिछले मैच में बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 11 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 4 रन, और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट लेके आई थी, उससे पहले बॉलिंग नहीं की थी, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो कभी कभार विकेट लेके आती है, कभी कभार फ्लॉप हो जाती है, तो देख के पिक करना, आपको पिक करना चाहते हो पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में पिक कर सकते हो, पर मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। दीप्ति शर्मा आई थिंक नहीं खेल सकती, देखेंगे अगर खेलते हो ट्राई करना, वरना पिक वरना छोड़ देंगे। पिछले मैच 20 रन बनाई गई थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 7 रन बनाई गई थी, और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट लेके आई थी, तो दीप्ति शर्मा एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, अगर ये खेलती तो इस मैच मैं इनको मस्ट पिक कहूँगा, अगर नहीं खेलती तो उनको ड्रॉप कर सकते हो, पर अभी के लिए यहाँ पे देख लो पिक कर सकते हो, देर बोल नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लक्ष्मी यादव, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, तो लक्ष्मी यादव को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्यों इसमें टीम को रखा है मुझे पता नहीं, पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं इनका, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ग्रेस हैरिस, पिछले मैच 7 रन, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 14 रन, और एक अभी कभी बॉलिंग करते तो वहाँ पर आपको विकेट ले जा सकते हैं, 2 विकेट ले गई थी श्रीलंका के खिलाफ 3 ओवर में, तो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बॉलर है, बैट्समैन भी है, तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो रिस्क लेके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सबमिन इस्माइल, जो कि बहुत बड़े बॉलर है साउथ अफ्रीका की, पिछले मैच 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट ले गई थी, प्लेयर अच्छी है, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच अच्छा विकेट लेके आती, तो इनको जरूर ट्राई करना, एक मस्ट पिक बोल सकता हूँ मैं, अगर ये खेलते हैं तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ये सपोदनी यशरी, उनका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। श्वेता शरावत, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 61 13 21 31 74, तो लास्ट मैच को छोड़कर उससे पहले सब मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही थी शरावत ने, जो कि बहुत बड़े बैट्समैन है, तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो, अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आई थी, तो उनको आप जरूर ट्राई करना, मिस मत कीजिए, एक अच्छा पिक बन सकती है। अभी सिमरन शेख, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 32 रन, उससे पहले 4 रन, 18 2 1 रन बनाई गई थी, तो सिमरन भी एक अच्छे बैटमैन बन सकती है, तो देख लो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकती हो, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकती हो। देविका वैद्य, पिछले मैच बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 1 रन, तो बॉलिंग में पिछले 2 मैच विकेट नहीं लेके थी, उससे पहले 2 विकेट लेके आई थी, और उससे पहले फिर से 2 मैच विकेट नहीं लेके आई थी, तो देविका वैद्य भी ग्रैंड लीग पिक हो सकती है, देख लो स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हो, पर ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टैली अमरकट, ये भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, पिछले मैच उनका बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 57 रन बनाए गए थे, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 8 रन, 56 2 रन, 14 14, ऐसा इनका रिकॉर्ड है, बैटिंग बहुत बड़ा करके आती है, बॉलिंग में चांस मिले तो बॉलिंग में से भी आपको विकेट लेके दे सकते हो, पर अभी के लिए कोई विकेट नहीं, यहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं लिए यहाँ पे। तो बस नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे किरण नामगर, जो कि पिछले मैच 7 रन, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 10 रन बनाए गए थे, तो किरण का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। लॉरेन बेल, जो बहुत बड़ा बॉलर है इंग्लैंड के, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 4 2 3 3, ऐसा इनका विकेट लेना है, तो बहुत बड़े बॉलर है, विकेट लेके आती है हर मैच में, तो इनको जरूर ड्रॉप मत कीजिए, अच्छा पिक को पिक कर लीजिए। एलेस एले बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच 25 54 37 55 66, लास्ट 5 मैच बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस कर गए, तो इनको जरूर ट्राई करना, मस्ट पिक करूँगा मैं, क्योंकि विकेट कीपिंग करके वहाँ पर भी आपको पॉइंट आ सकती है, प्लस बैटिंग भी उनका बहुत बड़ा है, तो दोनों में से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देती है, तो उनको मैं मस्ट पिक बोल सकता हूँ। ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में दोनों में से ट्राई करना। सोफिया एलिस्टन बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 2 मैच 1 विकेट,
उससे पहले 3 मैच लगातार 3-3 विकेट, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच में विकेट लेके आती है, तो उनको जरूर ट्राई करना, सब कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे आपको विकेट लेकर दे सकती है। और लास्ट ऐप है राजेश्वरी गायकवाड़, जो कि पिछले 4 मैच में विकेट नहीं लेकर आई थी और उससे पहले 3 मैच है एक एक विकेट लेकर आई थी। तो गायकवाड़ भी एक ग्रैंड लीग के लिए मैं बोलूँगा, मैं ग्रैंड लीग में आप पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप। आप देख रहे थे प्लेयर स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो पहले आते हैं आप एलेस आइली, 2 मैच है 62 रन बना के आ रही, स्टेडियम में 37 रन का हाई स्कोर है। अनबला सदरलैंड 6 रन, गार्डनर 0, बैथमोनी 2 मैच है 171 रन, 89 का हाई स्कोर इनका। हेमलता 1 मैच है 29 रन बना के रहे, दीप्ति शर्मा 2 मैच में 38 रन, देविका वैद्या 2 मैच है 36 रन, और तालिया मैकर 2 मैच 110 रन, 17 का हाई स्कोर है। बॉलिंग में देखते हैं बॉलिंग में कैसा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे पहले रेश सरवाड़ी 0 विकेट, सदरलैंड 2 विकेट, T20 में गार्डन यहाँ पे 1 विकेट लेके आई थी, दीप्ति शर्मा 1 विकेट, जॉर्ज वारियर में 1 विकेट, स्नेहा राणा 2 विकेट और कन्वर ने 1 विकेट लगाई थी। तो ये भी इसी स्टेडियम में होगा जो कि पिछले मैच हुआ था DY पाटिल में, और ये भी इसी स्टेडियम में हो सकता है। अब देख लेते हैं मैचेस की, जो कि स्टेडियम में कैसे मैचेस हो रहे हैं और उससे पहले क्या हुआ था, पिछले मैच में क्या हुआ था स्कोर कार्ड वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहले देख लेते हैं पिछले मैच में स्कोर कार्ड क्या हुआ था वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो MI ने पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने यहाँ पे 207 रन बनाए गए थे, गुजरात उस मैच में हार कर आ गई थी। तो यहाँ पे गुजरात के बॉलर में गार्डन ने 1 विकेट लगाई थी, स्नेहा राणा 2 विकेट, जॉर्ज वॉलर ने 1 विकेट और टी कन्वर ने 1 विकेट लगाई थी, और कोई बॉलर ने यहाँ पे विकेट नहीं लिया था। और यहाँ पे बैटिंग में जीजी ने मेघनाथ 2 रन, बैथमोनी रिटायर्ड 0, हार्नर लियो 0, गार्डनर 0, सदरलैंड 6 रन, 29 हेमलता और वॉलर 8 रन बनाए गए थे, और कोई बैट्समैन ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो ये बात स्कोर कार्ड, तो ये चेज नहीं हो पाई थी, इसी का 4 विकेट लेकर थे यहाँ पे। तो ये हुआ स्कोर कार्ड, और देख लेते हैं उससे पहले क्या होता मैच में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए गए थे। तो पहले बैटिंग यहाँ पे अच्छा होता है और बाद में थोड़ा पिच स्लो हो जाती, तो वहाँ पे बैटिंग में रन नहीं आते। पहले बैटिंग में 187 रन, एलिस अली 25 रन बनाई गई थी, बैथमोनी 82 रन, तालिया मैकर 70 रन बनाई गई थी, और एक ही विकेट गया था वो भी दीप्ति शर्मा का। और नेक्स्ट यहाँ पे 187 चेस कर लिए थे, सुपर ओवर हो गया था उसमें 187, 5 विकेट खोकर उसमें स्मृति मंदाना 78 रन, सफल उमर 34, राजेश 4 रन, 21 का और रुचा गोस्वामी 26 रन बनाए थे। बॉलिंग में हैदराग्राम 3 विकेट, एलन किंग 1 विकेट और सदरलैंड ने 1 विकेट लिखा था। तो ये हुआ पिछले मैच का स्कोर, आई थिंक ये बैटिंग फेवर हो सकता है। तो देख लो चेज नहीं होता और बैटिंग, पहले बैटिंग कौन से में आती है तो उनका थोड़ा बैट्समैन ज़्यादा आप पिक कर सकते हो और बॉलर भी आप उनके ज़्यादा पिक कर सकते हो। तो चलो गाइस टीम देख लेते, मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका था, मैं उसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूँगा। तो गाइस एक मेरी स्मॉल टीम है, इस टीम में पहले अगर मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा, पहले आप बोलूँगा मैं हरप्रीत कौर को, जो कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, पिछले मैच उन्होंने देख लो अच्छा परफॉर्मेंस कर गए थे 11 रन बना के, उससे पहले 1 मैच फ्लॉप हो गई थी और उससे पहले उससे 1 मैच 65 रन बनाई गई थी। प्लेयर अच्छी है, अच्छा बैटिंग करके आ सकती है, तो मुझे लगा इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, इसलिए यहाँ पे हरप्रीत कौर के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम फिर क्या मैं ग्रेस हैरिस को, जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलती है, पिछले मैच बॉलिंग की थी पर बैटिंग चांस नहीं मिला था, पर उससे पहले मैच 59 रन बनाई गई थी, उससे पहले 10 रन, उससे पहले 7 रन, तो बहुत बड़े प्लेयर है, बैटिंग भी अच्छा है इनका और बॉलिंग भी करके आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं ग्रेस हैरिस को लूँगा। नेक्स्ट टाइम पर लूँगा मैं KP नंगराव को, जो कि पिछले मैच बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 2 रन बनाई गई थी, उससे पहले 53 रन, तो अगर इसके भी बोल सकता हूँ मैं इन पर रिस्क लेके आ सकती हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी, आप सेफ चला तो किसी के साथ जा सकते हो। विकेट के ऊपर मैं एक ही चाहूँगा एलेस एली को, जो कि पिछले मैच में 96 रन बनाई गई थी, उससे पहले फ्लॉप हुई थी 24 रन, 7 रन और 18 रन बनाई गई थी। तो 3 मैच फ्लॉप हुई थी, 1 मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आई, तो मुझे लग रहा है इस मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। ऑलराउंडर पे भी 4 ऑलर के साथ जाऊँगा मैं, पहले आप लूँगा एली मैचेस, जो कि पिछले मैच 32 रन 3 विकेट, उससे पहले 77 रन 3 विकेट और उससे पहले 47 रन बनाए गए थे। प्लेयर अच्छे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े खेलते हैं, तो इसकी वजह से मैं हैली मैचेस का जान दूँगा। नेक्स्ट टाइम पिक किया होगा मैं नटालस कैवर को, जो कि पिछले मैच उन्होंने 23 रन बनाए गए थे, उससे पहले 55 रन 1 विकेट, उससे पहले 23 रन 1 विकेट, तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा इनका, तो इसकी वजह से मैं कैवर के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम पिक किया मैं MLA कैर को, जो कि पिछले मैच उन्होंने 4 डॉट बॉल करके आई थी, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 45 रन 2 विकेट और उससे पहले 66 रन 2 विकेट, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, पिछले मैच फ्लॉप हुए तो मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप पर किया मैं दीप्ति शर्मा, जो कि पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 12 रन बना के फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 11 रन 2 विकेट, उससे पहले 20 रन 1 विकेट, तो बहुत बड़ा प्लेयर है दीप्ति शर्मा, एक अच्छे पारी खेल के आ सकती है इस मैच में।
बॉलिंग में अभी तीन बॉलर के साथ जाऊंगा मैं। पहले अभी पिक किया मैं इशिका को, जो कि पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 4 विकेट लेकर आई थी। बहुत बड़ा बॉलर है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है लास्ट 3 मैच, तो वही फॉर्म कंटिन्यू करके आ सकती है। सोफिया एलिस्टोन पिछले मैच 4 विकेट लेकर आई थी, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 22 रन, 2 विकेट, उससे पहले 1 रन, 3 विकेट लेकर आई थी। प्लेयर अच्छे हैं, बॉलिंग बहुत बड़ा इनका, तो इसकी वजह से इंक्लूडूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम पिक किया मैं ईसायोंग को, जो कि पिछले मैच उन्होंने 3 विकेट लेकर आई थी, उससे पहले फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले फ्लॉप हुई थी। प्लेयर अच्छे हैं, मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे मैं रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहूँगा, कैप्टन मेरा नरेश कावर रहेगा, वाइस कैप्टन यहाँ पे एमएलए करके साथ जाऊँगा, क्योंकि रिस्की पिक जाऊँगा। सेफ के लिए यहाँ पे देख लो अली मैचेस और डिप्टे से मैं सेफ हो सकती है, यहाँ पे मेरा रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। तो गाइस फ्री एंट्री आने के बाद जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।